तो आज के चैनल में हम सीख रहे हैं ब्याज, साधारण ब्याज हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो थोड़ा सा मुस्कुरा के और कॉपी कलम लेकर के साथ में बैठ जाओ और सीख लो। हाँ, लेकिन पहले सीख लेना फिर बाद में लिखना इसको, ठीक है। सवाल है हमारा, 2500 रुपये का 5% की दर से 8 माह का ब्याज, यानी माह यानी महीने का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले हमारा इसका नियम क्या होता है वो देख लेंगे। तो हमारा नियम होता है साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बट्टे में 100, ठीक है। ये होता है हमारा इसका सूत्र, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा में 100। तो इसी आधार पे हम रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साधारण ब्याज, मूलधन हमारा क्या है 2500, तो 2500 यहाँ पे लिखेंगे। अब गुणे दर क्या है 5%, 5 लिखेंगे। फिर गुणे समय क्या है 8 माह, तो हम लिखेंगे 8 बट्टे में 100 लगाएंगे, 100 है ना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बराबर लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे साधारण ब्याज ठीक है, साधारण ब्याज। अब इनको आपस में गुणा कीजिए, कैसे हम गुणा करेंगे, पहले ये काट दीजिए, ठीक है। अब 25 पंजे 125 और गुणे 8, नीचे अब कुछ नहीं बचा, अब डायरेक्ट इनको हम आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1000, ठीक है आंसर। यानी 2500 रुपये का 5% की दर से 8 महीने का ब्याज 1000 रुपये होगा। तो चलो बच्चों, अब हम यहीं पे दूसरा सवाल भी सीख लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो दूसरा सवाल हमारा क्या है, देखो दिया है यहाँ पे 1500 रुपये का 5% की दर से 12 माह का ब्याज निकालिए, ठीक है। यानी हमारा इसका सूत्र क्या होता है आपको याद ही होगा, हमारा सूत्र है साधारण ब्याज बराबर मूलधन यानी 1500 गुणे दर यानी 5% गुणे समय यानी 12 माह, ठीक है, और बट्टे में क्या होता है 100, ठीक है। ये तो हमारा हो गया सूत्र के आधार पे हमने इसको रख दिया। अब इसको हम कैसे करेंगे, ये हमारा क्या होता है, जब ऊपर नीचे आपको बता देता हूँ, ऊपर से नीचे वाले को काटना होता है या फिर नीचे से ऊपर वाले को, ठीक है। तो या तो इससे इसको काट दो, इससे इसे काट दो, अगर कट रहा है तो, लेकिन यहाँ पर साफ दिख रहा है, 0 से 0 काट देंगे तो हमारा ऊपर 15 बच गया, नीचे 1, तो अब नीचे 1 बच गया तो अब इसका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर 15 × 5 × 12, अब इनको आपस में हम गुणा करेंगे, ठीक है। समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो अब इनको गुणा कीजिए, 15 × 5 = 75 × 12, अब फिर यहाँ पे लिखेंगे हम साधारण ब्याज, अब इनको जब आपस में गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 900, ठीक है। यानी अब आपने किसी से उधार लिया 1500 रुपये, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 5% की दर से कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, तो अब आप उसको कितना दोगे, तो उसको आप दोगे ये 900 रुपये भी इसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो हमारा टोटल कितना हो रहा है 2400 रुपये आप उसको देंगे, लेकिन आंसर क्या आपका होगा, क्योंकि आपको ब्याज पूछा है ना, तो ब्याज आपका 900 होगा,